हेलो स्टूडेंट्स, माईसेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। हमने अभी तक पढ़ लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने SN1 और SN2 पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ा है कि इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या होंगे, कहाँ पर कायरलिटी होगी, कहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, वो भी हमने समझ लिया है। आज हम समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। अगर कोई हेलोअल्केन लिया मैंने और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से ट्रीट कर दिया तो उसमें एलिमिनेशन हो सकता है, या कोई हेलोअल्केन किसी मेटल के साथ में कब रिएक्शन करेगा कब नहीं करेगा, चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सेटजीफ रूल कब लगाना है कब नहीं लगाना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर कोई एल्केन लिया, मैंने यहां पर एक एल्केन लिया, हेलो एल्केन लिया हुआ है, और ये हेलो एल्केन मैंने लिया है। आप देखिएगा यहाँ पर BR या CL को लगा देते हैं, और जब इसमें कोई बेस अटैक करता है, एक लाइन में मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सा एक लाइन में डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो बेस क्या होता है, देखिएगा बेस वो सब्सटेंस होता है विच अट्रैक्ट H+, जिसको H+ चाहिए, विच टेक्स H+, उसको लुइस बेस भी कहते हैं, टेक H+ आयन, जिसको प्रोटॉन की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोटॉन को एक्सेप्टर, इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेस के लिए, यस दैट इज हाईली प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन के लिए मरता रहेगा एकदम से, उसको कहते हैं बेस, लुइस बेस कहा जाता है इसको, है ना। क्या होता है लुइस बेस का होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या विच टेक H+ आयन, ये ध्यान रखेंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अरे न्यूक्लियोफाइल तो CN- है सर, इसको भी तो चाहिए है ना OH-, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है और ये बेस की तरह भी काम करता है, बिल्कुल। देखिए न्यूक्लियोफाइल कैन बिहेव एज ए बेस, ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफाइल कैन बिहेव एज, और बेस क्या होता है देखिएगा, बेस में भी यही हो सकता है, जैसे CH3O, ये क्या है बोलिए, मिथॉक्सी है ना, और क्या हो सकता है, एथॉक्सी हो सकता है, कोई भी RO- है, ये सब क्या है, लुइस बेस हैं, क्यों सर, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H2O है, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH3 क्या है, यस ये सब क्या है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज बेस एज वेल एज दे आर न्यूक्लियोफाइल, टेक केयर। लेकिन ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस का बेसिक डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी हैव एज लुइस बेस, ऑल द न्यूक्लियोफाइल कैन बी कंसिडर्ड एज बेस, लेकिन सारे के सारे बेस न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते हैं। एक्चुअली ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो बल्कियर होते हैं वो कहलाते हैं लुइस बेस। आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल बिहेव एज लुइस बेस। अगर छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है, मोबाइल नेचर का आसानी से है, तब वो क्या करेगा, बिल्कुल तब वो न्यूक्लियोफाइल का काम ही करेगा, तब वो बेस का काम नहीं करेगा, मतलब H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर लेगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर मैंने लुइस बेस लिया है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ से कहीं से भी ये H+ पर अटैक करेगा और H+ को लेने की कोशिश करेगा। तो जब मैंने यहाँ क्या देखा, जब वहाँ से वो H+ को ले जाएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड भी टूटेगा इस तरह से, और मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जब मैंने इसको किससे ट्रीट कर दिया, बिल्कुल मैंने इसको अगर मान लीजिए एल्कोहलिक के OH से ट्रीट कर दिया है तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा C, ये H तो यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा H, और यहाँ पर से क्या बचा है CH और H। देखिएगा यहाँ पर BR जा चुका है ना, BR जा चुका है, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा KBR, एच बाई प्रोडक्ट, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव KBR है ना, यहाँ पर H2O बाई प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखिएगा क्या है सर, ये यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जब यहाँ से फिर से देखिएगा, जब यहाँ से बॉन्ड चला जाएगा टूट जाएगा तभी बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बन जाता है। इसीलिए इस चूंकि इस कार्बन को हमने कहा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसको अल्फा कहा जाता है, और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग नाम देते हैं बीटा, उसके बगल वाले को गामा नाम देंगे स्टूडेंट्स। तो बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन के जाने के कारण इस रिएक्शन का नाम ही दे दिया गया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन इस तरह का है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है BR को या CL को लगा दिया है, और इसको अगर किसी एल्कोहलिक के OH से ट्रीट कर देते हैं, एल्कोहलिक के OH से ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने एल्कोहलिक के OH जैसे कि OH को किसी इथेनॉल
मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, किसी भी अल्कोहल में मैंने डिजोल्व कर दिया है, पानी में नहीं किया है। अगर पानी में OH को डिजोल्व करेंगे तब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा। अगर इसको आप यही रिएक्शन अगर आप पानी से कर देते हैं, मैं यहाँ पर मिटाने की कोशिश करता हूँ, यही रिएक्शन आप अगर एक्वस के OH से करते हैं, ध्यान से रखिएगा कि एक्वस के OH से करेंगे, एक्वस से पानी में घोल करते हैं, तब इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बोली क्या बनेगा, यस, तब H और इस तरह से बनेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Br की जगह OH लग जाएगा, है ना, बोलिए। चलिए ये क्या हो रहा है सर, ये यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिल्कुल एक्वस के OH में सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा और एल्कोहलिक के OH में एलिमिनेशन हो जाता है। चलिए क्यों होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे मैकेनिज्म को। आगे देखिएगा, Br है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एल्कोहलिक के OH को लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये अल्फा है, अगर अल्फा कार्बन है तो ये बीटा है और यह बार क्या है, ये बीटा है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ से लेंगे कि यहाँ से, अरे कहीं से भी ले लीजिए भाई, बोलिए यस H है, बिल्कुल मैंने यहाँ से H को ले लिया है और क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने Br को हटा दिया है, बाकी जगह कोई चेंज नहीं करते हैं, Br को हटाया, इसके मैंने H को हटाया और यहाँ से Br को हटाया, क्यों सर, यहाँ पर OH अटैक कर देगा तो H को लेकर चला जाएगा और KBr बन जाएगा, बचेगा जो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो H देखिएगा ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा Br के जाने से और एक जाने से, ये क्या बन गया सर, ये तो सिंपल सा ये एक एल्कीन बन गया है, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आप समझ गए होंगे, KBr बाई प्रोडक्ट बनेगा और H2O बनेगा। चलिए बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल नंबर में सी लिखता हूँ, देखिएगा इसमें भी अगर आप कि एल्कोहलिक के OH की बजाय एक्वस के OH लेंगे तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br की जगह OH लग जाएगा और करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, है ना, एल्कीन नहीं बनेगा। चलिए उस प्रोडक्ट को मैं बाद में लिखूंगा, मैं आप यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास तो चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से बीटा से ले लें, दोनों में सेम ऑप्शन आ रहा था। अच्छा अब यहाँ पर मैं कुछ अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ सर, देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ BrCl भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का ले लेता हूँ, देखिएगा ये क्या है सर, अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा और ये भी बीटा है और ये गामा है। सो स्टूडेंट्स, जिस कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, देखिएगा यहाँ पर भी बीटा यहाँ पर भी बीटा, अरे आप कहाँ से लेंगे बोलिए, अरे बिल्कुल देखिए हम वहाँ से लेंगे जहाँ से हमें ग्रेटर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता हो। कैसे सर, इसके लिए हम सेट जीफ रूल को फॉलो करते हैं सर, कैसे है देखिएगा, ऐसे कंडीशन में सेटजीफ रूल क्या कहता है, सेटजीफ रूल कहता है ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का रिएक्शन है ये, हाइड्रोजन और हैलोजन का जाना कहलाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने कहा कि ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन सेटजीफ रूल कहते हैं कि ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट है। मोर अल्काइलेटेड का मतलब क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो एल्कोहलिक के OH लिया मैंने और देखिएगा यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से H ले लिया है तो क्या किया है, देखिएगा 1, 2, 3, 4 है और मैंने यहाँ से H लिया है तो ये H और यहाँ से Br चला जाएगा, Br जाएगा, H बचेगा, बाकी जगह मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 नंबर के कार्बन से H को निकाल लिया है, अब जहाँ से H निकाल लिया है यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया है तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया है और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड को लगा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड यहाँ लग गया है, एक प्रोडक्ट ये बन गया है, इसका नाम बताइए ब्यूट टू इन, बिल्कुल आपने सही कहा है, और एक प्रोडक्ट और ही बन सकता है सर, बीटा तो ये भी है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है देखते हैं मैंने इस बार क्या किया है, बिल्कुल मैंने यहाँ से Br और मैंने क्या किया है ये वाला H लिया है, कोई भी H आप मतलब मैंने बीटा कार्बन यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, तो पहले कंडीशन मैंने क्या किया था, बीटा ये वाला हाइड्रोजन को हटाया था और सेकेंड अटेम्प्ट मैंने इस वाले बीटा का हाइड्रोजन हटा दिया और इसका हैलोजन, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यहाँ भी हुआ है यहाँ भी हुआ है, लेकिन सेट जीफ रूल कहता है कि ये मेजर प्रोडक्ट है। सर क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है, बिल्कुल यहाँ पर ये मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, इट इज मोर अल्काइलेटेड, ये और ये दो दो अल्काइल ग्रुप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में मोर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट डोमिनेंट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन जब आप ऐसे क्वेश्चन को करें तो माइनर प्रोडक्ट को ना लिखें, मेजर प्रोडक्ट को ही लिखें स्टूडेंट। तो सेट जीफ रूल के हिसाब से हमने कहा
कि कभी भी किसी में एलिमिनेशन करना हो तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जो मोर अल्काइलेटेड हो। तो आगे चलिए देखते हैं कि एक एल्कोहलिक KOH हमें क्या करता है, एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH याद रखिएगा, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, एक्वस KOH, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एक जाकर के एक आएगा, है ना। एक्वस है तो सब कुछ ठीक रहेगा, पानी है, एक्वस माने पानी, एक्वा पानी है तो सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, एक जाएगा तो कोई आएगा, है ना, है ना। घर से बेटी विदा होगी तो बहू आएगी, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होगा अगर आपने क्या हुआ एल्कोहलिक शुरू कर दिया, अगर घर में एल्कोहलिक ज्यादा शुरू हो गया है तो एलिमिनेशन पक्का है, ध्यान रखेंगे। तो एल्कोहलिक KOH है या एल्कोहलिक NaOH है तो एलिमिनेशन होना पक्का है। चलिए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने ब्रोमो प्रोपेन लिया है, एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहां से H जाएगा और यहां से Br जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, इस अगर एक्वस KOH है तो इस केस में हमने कहा कि भाई यहाँ पर OH लग जाता है और बाकी जगह कोई चेंज नहीं होगा, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH में जब आप एल्कोहलिक KOH लिया करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, KOH के साथ में C2H5 है, OH है, यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है, K के साथ में OC2H5 है ना, इट इज द एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड बन जाता है और H2O बन जाता है, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाता है, K प्लस है, O माइनस है, तो C2H5O माइनस यहाँ पर ये बनता है, ये किस केस में है, एल्कोहलिक KOH में है। तो बेटा C2H5OH या RO माइनस जहाँ कहीं होंगे दे आर बेटर बेस, ये क्या होते हैं, ये बेटर लुइस बेस होते हैं, मतलब इनकी टेंडेंसी हुआ करती है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना कहीं से भी, तो जहाँ कहीं भी बल्कियर बेस रहेंगे, देखेंगे ध्यान से, या आप ये भी कह सकते हैं बल्कियर न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, जहाँ कहीं भी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होंगे वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5O- या RO- जो भी लेंगे आप, बड़ा बड़ा जो भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम लोग, RO- है ना, एल्कोहलिक KOH है, आप यहाँ पर C2H5 के बजाय ROH भी ले सकते हैं, अगर ROH हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा, बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, ROKOR। तो ये क्या होगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, RO- क्या है, बेटर बेस है, लुइस बेस है और H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं KOH एक्वस लेते हैं, एक्वस का मतलब क्या होता है, K+ और OH- में टूटेगा ये माइनस और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, OH माइनस ज्यादा हाइड्रेटेड होने के कारण ये चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा, है ना, कैसे होगा भाई, पानी के मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घिर जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल, तो यहां आप ध्यान रखेंगे ज्यादा हाइड्रेटेड होने के कारण, ज्यादा हाइड्रेटेड होने के कारण इसका पानी, इसका H+ के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा, OH माइनस ज्यादा हाइड्रेटेड होने के कारण इसका किसी H+ के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इंस्टीड ऑफ बेस। तो बल्कियर ग्रुप जहां कहीं भी रहेगा, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल जहां कहीं भी रहेगा वहां पर चांसेस होंगे एलिमिनेशन के, और छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है या बेटर न्यूक्लियोफाइल है वहां पर चांसेस होंगे सब्स्टिट्यूशन के। तो ध्यान रखेंगे एल्कोहलिक KOH का होना मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा और एक्वस KOH का होना मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और एक बात है, एलिमिनेशन के लिए और कंडीशन क्या है, तो एलिमिनेशन के लिए दो कंडीशन है, पहला है कंडीशन फॉर एलिमिनेशन, एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल भी है एज बेस, वो H+ की तलाश में रहेगा। क्यों सर ऐसा क्या हो जाता है, अरे यार मैं एक आपको एग्जांपल दिया था, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये दे दिया आपको, ये एग्जांपल है, है ना, ये एक छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है। अब इसकी बजाय मैं आपको कंपटीशन करवा देता हूँ, तो CH3 और CH3O-। अब इन दोनों में से बल्कियर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यस, अरे ये बेटर बेस है, ये इट इज बेटर बेस, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सर क्यों करेगा, अरे भाई ये छोटा सा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये बल्कियर है तो ये बेटर बेस है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज तो है ही है, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देंगे यहाँ पर, और इस तरह से इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हो जाएगी कि ये H+ की तलाश में रहेगा। तो स्टूडेंट्स एक खास बात देखिएगा यहाँ पर क्या, और एक
बात और है, ये बहुत बड़ा है, बल्कियर ग्रुप है, तो इसका जब अटैक करेगा किसी सब्सटेंस में घुसने की कोशिश करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाएगा। तो मेरा मतलब उस चीज़ से है कि यहाँ पर बल्कियर बेस है इसीलिए, या बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए इसको हम कहेंगे इट इज बेटर बेस, और यहाँ पर एलिमिनेशन करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, आपको हाई टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं भी हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर एलिमिनेशन होगा। देखिएगा मैंने इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश किया है कि ये इसके होने से एलिमिनेशन होगा और इसके होने से सब्सटीट्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल, देखिए कभी भी आपको ऐसे दिया जाएगा, जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिखी जाती हैं वो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें केवल एलिमिनेशन होगा या केवल सब्सटीट्यूशन, ये कंपटीशन है, ये कौन बाजी मार जाएगा, तो डिपेंड करता है वो सिचुएशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट हुआ करती है। दूसरा कंडीशन है कि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट है तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एलिमिनेशन हो जाए, हालांकि पोलर सॉल्वेंट में SN1 भी हो सकता है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट और हाई टेम्परेचर साथ में आ गया है तो पक्का है कि वहाँ पर एलिमिनेशन ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स हमने ये समझा कि हमें स्ट्रेटजी फॉर रूल लगा करके अगर एलिमिनेशन होता है तो स्ट्रेटजी फॉर रूल लगा करके प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और अगर सिंपल कंपाउंड दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, मैंने एक चार्ट बनाया के बताया था आपसे, वहाँ पर नॉर्मल बेस अगर है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। ये तो बात हो गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है और कब हो सकता है। आइए समझते हैं कि रिएक्शन ऑफ एनी हैलोअल्केन विद मेटल। देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और भी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दिया जाए, H3PO4 दे दिया जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 दे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेशन कर सकते हैं और ये OH ग्रुप और यहाँ का H निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू निकलेगा। सिंपल सा रिएक्शन है, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, बीटा एलिमिनेशन होगा, है ना। मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। तो ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म डिटेल में कि कैसे H+ अटैक करता है तो डिहाइड्रेटिंग ग्रुप हुआ करता है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगा, ये एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाता है इसमें, यहाँ पर भी स्ट्रेटजी रूल फॉलो होता है। चलिए आइए देखते हैं कि रिएक्शन विद मेटल में हमें क्या समझ। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ स्पेशल मेटल रिएक्शन विद, अगर सोडियम ले लेते हैं, ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी RX का अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम से कर दिया जाए, ये नेम रिएक्शन भी है, और यहाँ पर XR दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर ड्राई ईथर रखते हैं, क्यों सर, अरे यार थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो सोडियम ड्राई क्या करेगा, सोडियम इज ईजिली हाइड्रेटेड, सोडियम आसानी से रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ में और कुछ और कंपाउंड बना जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से इस पार्ट को आप बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या सर, बिल्कुल आर आर बन जाएगा और ये क्या है सर, ये एल्केन बन जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2Na कर लीजिए और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaX। अरे सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं, CH3 के साथ में अगर Cl लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सोडियम और यहाँ पर क्या ले लेते हैं Cl के साथ में CH3, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा, बोलिए और यहाँ क्या होगा, बिल्कुल ड्राई ईथर ले सकते हैं, जो ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें वाटर ना हो, मॉइस्चर ना हो, सोडियम रिएक्शन ना कर बैठे, और यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 के साथ में CH3 एल्केन, दैट इज इसका प्रोडक्ट नाम बताएंगे, यस आपने सही कहा है, इट इज इथेन है। देखिएगा ये रिएक्शन कब काम आती है, जब कभी किसी एल्केन में से किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन डबल करना हो, नंबर ऑफ कार्बन डबल करना हो तब हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो एक लाइन में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे वुड्स रिएक्शन का, कि ट्रीटिंग हैलो एल्केन विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स करेस्पॉन्डिंग एल्केन हैविंग मोर नॉट ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट एटम। अच्छा एक बात इसी में देखते हैं क्या है, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आप बेंजीन के साथ में करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने BR को लगा दिया है और सोडियम के साथ में ट्रीट करते हैं और ये BR है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल सेम रिएक्शन लगभग होगी, और ये बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन, और अगर इस तरह से मैंने इन दोनों को बाहर कर दिया, NaBr2 लगा देते हैं, तो सेम कंडीशन है, जहाँ कहीं सोडियम रहेगा वहाँ पर ड्राई ईथर को यूज़ करना है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना है, एक नए तरह का कंपाउंड है, इसको डाइफिनाइल कहा जाता है और 2NaBr बनेगा, और लेकिन एक बात है, जब फिनाइल ग्रुप यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये बाइफिनाइल ग्रुप है,
अब एक बात है ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फिटिग रिएक्शन एक किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो फिटिग रिएक्शन क्या है, किसी हेलोएरीन रिएक्टेड विद ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव करस्पॉन्डिंग डाइफिनाइल एंड इट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। अच्छा एक बात है, ये मैंने कहा आपसे कि ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड वुट्ज रिएक्शन, और ये कौन सा है, फिटिग रिएक्शन। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा यदि वुट्ज फिटिग कर, चलिए देखते हैं वुट्ज फिटिग रिएक्शन। आप देखिए नाम से ही क्लियर बता रहा है वुड्स का फिटिग रिएक्शन ये क्या कहता है। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और फिटिग रिएक्शन में हेलोएरीन यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है CH3Cl ले लिया है और सोडियम के साथ में ट्रीट करता हूँ, और फिटिग मतलब क्या होता है, हेलोएरीन लेना है, तो मैंने Cl के साथ में क्लोरो बेंजीन ले लिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये वुड्स रिएक्शन करता है और ये फिटिग वाला है, अरे यहाँ क्या होगा, अरे भाई यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बनेगा क्या प्रोडक्ट, सोचिए फटाफट। यस बिल्कुल आपने सही सोचा है, इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा, इसमें से जुड़ जाएगा और करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, CH3CH2। इसका नाम बताइए, बोलिए बोलिए। यस इसका नाम क्या होगा, या कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं रिंग बना देता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे, यही आपका प्रोडक्ट का नाम लिखना ही आपका ये कमेंट बॉक्स वर्क है, आप इसको मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि ये हेलोएल्केन या हेलोएरीन कभी भी सोडियम के साथ में किसी मेटल से ट्रीट करते हैं, सोडियम से मैंने ट्रीट किया तो करस्पॉन्डिंग हेलो करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। यहाँ पर फिटिग रिएक्शन हो गया जो हेलोएरीन के लिए स्पेशली है, और यहाँ पर वुड्स फिटिग दोनों को मिक्स कर दिया है। चलिए आगे रिएक्शन और समझने की कोशिश करते हैं विद अदर मेटल। आगे देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम लिख लेते हैं। किसी भी रिएक्टिव मेटल से ही अल्काइल हैलाइड रिएक्शन आसानी से करता है, अगर किसी RX को, RX मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्यों सर, क्योंकि R और X में से X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और R में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब इसको मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट कर दिया जाए, देखिएगा मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ड्राई ईथर में करते हैं, ये वुड्स रिएक्शन के जैसा ही दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक पूरे केमिस्ट्री का एक नया तरह का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहा करते हैं RMgX। सर इसमें खास क्या है, देखिएगा इसमें खास ये है कि इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं और इसी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था और एक नया तरह का कंपाउंड आइसोलेट किया, ये नया तरह कंपाउंड किया था जिसमें डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा आर में और यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज होगा। सर क्यों होगा, देखिएगा मैग्नीशियम डाइवेलेंट हुआ करता है, ये डाइवेलेंट होता है तो एक वैलेंसी इसकी आर से सेटिस्फाई हो रही है और एक एक्स के साथ सेटिस्फाई हो रही है। इस कंपाउंड की एक खास बात और है, क्या खास बात है कि इस कंपाउंड में आर और MG के बीच का बॉन्ड, CH3 और MG के बीच का बॉन्ड, या किसी अल्काइल ग्रुप और MG के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है और MG और X के बीच का बॉन्ड आयोनिक है। तो दो तरह के कंपाउंड, मतलब दो एक कंपाउंड में दो तरह के बॉन्ड बने हुए हैं, हालांकि बहुत ही पोलर बॉन्ड होता है, इसीलिए इस पर आर पर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहता है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव। पूरी केमिस्ट्री में बहुत कम कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिसमें कार्बन में निगेटिव चार्ज आता हो, पार्शियल निगेटिव चार्ज दैट इज कार्बन कैटायन बनता हो, ऐसा बहुत ही कम कंपाउंड आपको मिलेंगे। ये RMgX तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वन लाइन में क्या कहेंगे आप, एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो व्हाट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो आप कहेंगे RMgX इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कैसा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर एक मजे की बात ध्यान से देखिएगा, इस RMgX को हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही बनाया जाता है क्योंकि थोड़ा सा भी ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैंने RMgX यहाँ लिया है, अगर इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया तो क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर H+ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर निगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है। MG और X के बीच का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, आयोनिक बॉन्ड है, ये नहीं टूटेगा, पहले यही बॉन्ड टूटेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बनेगा, बिल्कुल, और ये पॉजिटिव वाला कहाँ से जुड़ जाएगा, ये O से जुड़ जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा, बिल्कुल R के साथ में H बन जाएगा और हमें क्या बनेगा, MgOHX दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड या हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, अगर CH3 के साथ Cl लिया है आपने, उसको मैग्नीशियम से ट्रीट कर दिया है, मतलब एक तरीका भी है किसी
किसी हेलो एल्केन को किसी एल्केन में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका भी मान सकते हैं आप इसको, ग्रिग्नार्ड रेजेंट को यूज़ करना। कैसे सर? देखिएगा, ये एप्लीकेशन पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि CH3Cl है, MG के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या बने हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कंपाउंड यहाँ बनने वाला है वो अगर ड्राई ईथर आपने नहीं लिया है तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रेजेंट। अब इसमें हम लोग मॉइस्चर डाल देते हैं, पानी दे देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, उसका निगेटिव, इसका निगेटिव, उसका पॉजिटिव। कैसे सर? ये निगेटिव है, इसको H प्लस की तलाश है तो इस पर अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा? CH3H। बोलिए क्या बन गया ये? यस, ऑफकोर्स इट इज मीथेन। और बाहर क्या जाएगा? MgOHCl, यहाँ पर प्लस चार्ज है, OH मिल जाएगा। और मैग्नीशियम की वैलेंसी OH और Cl ने मिल करके पूरी की है, क्योंकि मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है, तो एक साइड में क्या लगेगा? OH, OH भी लगा है और Cl भी लगा हुआ है, इन दोनों में निगेटिव चार्ज है और इसमें होता है दो पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड हो जाएगी। खैर, आयोनिक बॉन्ड बनेगा वहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, किसी मिथेन को बनाना, और एक बात है, क्या बात है सर? यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर CH3 के साथ में Cl दिया हुआ है और मैग्नीशियम है, और यहाँ पर फिर वही बनेगा CH3Mg के साथ में Cl बनेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऐसा हुआ करता है, जहाँ कहीं भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिलता है वहाँ से H प्लस को लेने की कोशिश करता है। मतलब क्यों सर? क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, और डेल्टा पॉजिटिव है। तो क्या होगा? देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने इसको किसी ऐसे सोर्स ऑफ, जो वीक सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल से भी H ले सकता है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। सर कैसे ले सकता है? प्लीज पे अटेंशन, देखिएगा CH3, मान लीजिए मैंने आपको एक नया कंपाउंड दिया है, मैंने एक अल्काइन ले लिया, ध्यान से देखिएगा क्या है सर, ये CH3CCH, यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन में s करेक्टर ज्यादा होता है, और वो कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करेगा ये c और h के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और h प्लस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। फिर से सुनिएगा, जिसका जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है उसमें s करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर द s करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था 11th में। और यहां पर क्या होगा? ये भी, लेकिन ये भी है, ये लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी c और h के बीच का बॉन्ड पोलर कम होगा। ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर द पोलैरिटी इन द बॉन्ड, ऐसा भी पढ़े हम लोग। तो c और h का बॉन्ड पोलर होता है, और यहां से h निकल जाएगा, अभी h प्लस के फॉर्म में जाएगा और इस पर अटैक कर देगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? तो क्या बनेगा? बिल्कुल आपने सही कहा है, CH3 है, यहां का h निकल करके क्या बन जाएगा? यहां लग जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? देखिए, तो MgCl और ये निगेटिव पार्ट, इतना निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो गया है, तो मैं यहां पर प्लस में क्या बनेगा उसको मैं लिख देता हूं, और ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर, और यहां पर मैं Cl भी लगा देता हूं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये कंपाउंड बनेगा, बाय प्रोडक्ट है, ये से मतलब नहीं अपने को एल्केन बन गया है। तो यहाँ पर आप एल्कोहल भी ले सकते हैं इस तरह से, चाहे पानी लेंगे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन भी आया करता है कि वाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री कंडीशन, तो ऑनलाइन का आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर रिएक्टेड विद वाटर एंड प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एल्केन, तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना दिया करता है, इसीलिए इसको मॉइस्चर फ्री कंडीशन में रखना चाहिए। और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? यस, आपने यहाँ देखा कि आर एच बन जाएगा, यहाँ से एच ले लेगा प्लस, यहाँ कहीं भी इसको इलेक्ट्रोफाइल लिखेगा फर्स्ट पर अटैक करके, और बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसा था हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसका और फेमस रिएक्शन है, उसको भी यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि RMgX में ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ले लिया, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है यार? ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर कार्बन में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। क्यों सर? अरे ये डबल बॉन्ड है और सी और ओ के बीच में, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा, बोलिए डेल्टा माइनस, और यहाँ पर डेल्टा, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा? नेगेटिव पार्ट विल अटैच विद द पॉजिटिव कार्बन, है ना। ये एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन भी हो सकता है, मैंने तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनाया है। आप यहाँ पर R और H लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और R और R लगा देंगे कीटोन बन जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। और ये मैग्नीशियम को मैं कहाँ लगा देता हूँ? किसी पॉजिटिव से लगा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव, उसका निगेटिव। चलिए क्या करना है सर? बहुत सिंपल सा है सर, क्या करना है?
बोलिए एच सी एच, मैं ऐसे बना दिया हूँ। इस पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, मैं R को जोड़ देता हूँ और एम जी एक्स को उसे जोड़ देता हूँ। यहाँ बॉन्ड सिंगल हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। फिर से देखिएगा एम जी एक्स बन गया है, आर सी एच टू बन गया है। सर आगे क्या होगा, अरे भाई आगे इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा, H और OH, मतलब O और Mg है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। फिर से देखिएगा ऊपर मैंने MgX को लगाया, MgX को लगाया, जब इसको मैं वापस से पानी दे देता हूँ तो क्या करेगा पानी का, फिर देखिएगा यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो क्या करेंगे फिर से अरेंज करेंगे, फिर से इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव इसका निगेटिव, इस मॉलिक्यूल का निगेटिव इसका पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। देखिएगा मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट है। देखिएगा आर के साथ में हम यहाँ क्या लिख देते हैं, बोलिए यस एच एच, और यहाँ क्या मिल जाएगा ओ के साथ में क्या लग जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा ओ एच लग जाएगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा एम जी ओ एच एच। तो करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके करेस्पॉन्डिंग किसी एल्डिहाइड को मैं क्या बना सकता हूँ, अल्कोहल बना सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर कुछ चेंज करके देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ ऐसे बना के देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसको बना करके देखिएगा और मुझे आप बताएंगे कि क्या बना है यहाँ पर। ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही हुआ करता है ना, ड्राई इथर जरूर, जहाँ आर एम जी एक्स रहेगा वहाँ ड्राई इथर रहेगा। तो आप इसको खुद से बना के देखिए किस तरह का अल्कोहल बनेगा, खुद से बना के देखिएगा क्या देखेंगे आप देखेंगे कि जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा, ये आप मुझे बताएंगे। आप इंटरमीडिएट को बनाएंगे, इसको एडिक्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, और इसमें से इसको बनाइएगा अल्कोहल, तो यहाँ बनेगा पक्का है, लेकिन कैसा अल्कोहल बनेगा, क्या इसके जैसा अल्कोहल बनेगा, क्या इन दोनों अल्कोहल में कोई डिफरेंस रहेगा, ये मुझे आप बताएंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सेट जीफ का रूल यूज़ करते हैं। आज हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल है ना, वुड्स रिएक्शन या रिएक्शन विद मेटल जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप समझेंगे आगे चल करके। आप इसको बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज हुआ करता है। कार्ब एनायन देने वाला, ये निगेटिव चार्ज देने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप और भी कंपाउंड इसमें बना सकते हैं, इसमें आर एक्स है, ये आर एक्स में यहाँ पर डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। अब आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अरे आर एम जी एक्स है, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, अब बोलिए क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो देखिए इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, अब बोलिए क्या बनेगा, ये बिल्कुल ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, तो यहाँ क्या मिलेगा आर आर हो जाएगा, आर और आर बन जाएगा, एक आर है इसको मैं आर डैश कर देता हूँ, आर डैश आर आर डैश बन जाएगा, और क्या बनेगा देखिएगा एम जी एक्स टू, यहाँ क्या बनेगा एम जी एक्स टू, तो ये भी एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा था इसको, तो अगले क्लास में, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।